दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर यशेश विश्वकर्मा त्रिवेणी रोड प्रयागराज से। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल चरक आयुर्वेदा पर हेपेटाइटिस बी से संबंधित कई वीडियोज पड़े हैं, जिसमें टेस्ट, खाने पीने के बारे में, मेडिसिन के बारे में, वायरस की प्रकृति के बारे में सारा कुछ डिटेल से दिया गया है। इसी क्रम में हम आपको अवगत करा देना चाह रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी एक वायरस जनित रोग है, ए डिजीज़ ड्यू टू वायरस। जैसे अभी आपने देखा है कि कोरोना हुआ है, COVID-19, तो वो भी एक वायरस जनित रोग है। ठीक इसी प्रकार से हेपेटाइटिस बी एक वायरस जनित रोग है, और हेपेटाइटिस बी का वायरस बहुत तेज़ी से गति नहीं कर पाता। मतलब इसका जो मूवमेंट है, बीमारी फैलाने का या लीवर पे अटैक करने का जो तरीका है, बिल्कुल स्लो है। ये इसकी प्रकृति कोरोना वायरस की तरह नहीं है कि हो जाए तो फीवर, ये सब दिक्कतें नहीं आती। हेपेटाइटिस बी में जो दिक्कतें आती हैं, लीवर से संबंधित दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ये इसका वायरस लीवर को अपना टारगेट करता है। लीवर में सूजन होना, लीवर सिरोसिस होना, लीवर फेल्योर होना, बड़े क्रिटिकल कंडीशन में एम्स में या और बड़े इंस्टीट्यूट में, मेडिकल में इस ज़्यादातर डैमेज हो जाने पर, ज़्यादा दिक्कतें आने पर लीवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी जाती है पेशेंट को। तो हेपेटाइटिस के बारे में पूरी तरह से समझना है हमें, तो हमारे और भी जो वीडियोज़ हैं आप उसका अवलोकन करें। और संक्षेप में मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि हेपेटाइटिस बी एक वायरस जनित रोग है, आयुर्वेद में इसका पूर्णतया इलाज उपलब्ध है, कुछ कंडीशन में पेशेंट नेगेटिव भी आते हैं, अगर उनकी कंडीशन क्रिटिकल है तो TND तो ज़रूर आ जाते हैं। TND आ जाना मतलब वायरस का नेगेटिव होना, वायरस बिल्कुल शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं, लीवर सिरोसिस हो जाना, लीवर फेल्योर, ये सब कंडीशन नहीं होगी। बार बार इसमें जांडिस हो जाता है, इसको काला पीलिया भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत परेशान करने वाली हैं। पेशेंट जो होता है वो तमाम यूट्यूब पे सर्च करता है, देखता है कि हमें क्या दिक्कत है। तो पूरी जानकारी के लिए और भी आप वीडियोज़ देखिए हमारे, और हमने संक्षेप में जो ये बताया है आपको, ये पूरा निचोड़ है, इसमें कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमसे जुड़ें, पूरा निदान मिलेगा आपको। और इस संबंध में अगर कोई क्योरी निकल के आपके पास आती है कि नहीं इसमें क्या होगा, कैसे होगा, तो आप हमारे मोबाइल नंबर जो कि स्क्रीन पे शो कर रहा है, आप इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या हेपेटाइटिस बी से संबंधित होगी उसका निदान जरूर किया जाएगा। धन्यवाद।